नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में मेनोपॉज के बारे में बताऊंगा, यानी कि जो फीमेल्स की लाइफ में नेचुरल फेज आता है मेनोपॉज, उसके बारे में जानकारी दूंगा और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर अमित, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मेनोपॉज यानी कि फीमेल्स में मेंसेस का धीरे धीरे कम हो जाना, फिर उनका बंद हो जाना, उसको मेनोपॉज कहते हैं। और इस वर्ड से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं मेनोपॉज, मेनो यानी मेंसेस, पॉज यानी स्टॉप, या उनका बंद हो जाना, मेंसेस का बंद हो जाना, उसको मेनोपॉज कहते हैं। इसको क्लाइमेट्रिक फेज के नाम से भी जाना जाता है। और फीमेल्स का लाइफ का वो समय मीन्स वो टाइम रहता है लाइफ का जिसमें जो ओवरी की गतिविधियाँ रहती हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है फीमेल्स में, ओवरी जहाँ से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो हॉर्मोन्स है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जो ओवरी की गतिविधियां रहती हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं, तो उसी फेज को मेनोपॉज कहते हैं। और जो फीमेल्स में मेनोपॉज जो फेज आता है वो आता है 45 यानी 45 साल की एज के आसपास की एज में ये फेज देखा जाता है। और ये नेचुरल प्रोसेस रहती है फीमेल्स में, नेचुरल फेज रहता है फीमेल्स का। और एक साल तक अगर मेंसेस नहीं आती हैं तो उसको मेनोपॉज कहा जाता है। जब भी फीमेल्स में मेनोपॉज का फेज आता है उससे पहले कुछ उनमें ट्रबल देखी जाती है, मींस उनमें कुछ इंडिकेशन देखी जाती है, जैसे कि जिसे प्री मेनोपॉज के नाम से भी जाना जाता है, कि जैसे मेंसेस जो रहती हैं वो इरेगुलर रहती हैं, बहुत कम आती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फ्लो आता है, या कई बार वो स्किप कर जाती हैं मेंसेस। तो ये कुछ उसमें ये इंडिकेशन देखी जाती है, ये ट्रबल रहता है प्री मेनोपॉज के दौरान। और जब भी मेनोपॉज रहता है फीमेल्स में तो उनमें देखा जाता है कि होपलेसनेस बहुत ज़्यादा रहती है, मींस जैसा फील होता है कि आग निकल रही हो शरीर से, ऐसा उनको ऐसा देखा जाता है। और साथ में उनको जो मूड रहता है उनका बहुत ज़्यादा स्विंग रहता है, उनको इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, हर बात पे चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मूड काफ़ी उनका स्विंग रहता है, होपलेस रहती है, उसमें देखा जाता है मेनोपॉज के दौरान। और जब भी मेनोपॉज में मेंसेस एक साल तक अगर बंद रहते हैं तो उसको मेनोपॉज कहा जाता है। और इसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं, मींस हार्मोनल चेंजेस काफ़ी आते हैं, और साथ में फिजिकली मेंटली भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्विंग रहता है, हॉट फ्लसी रहते हैं, इसमें ये देखे जाते हैं। तो इसके कुछ कॉज भी हैं, तो इसके जो कॉज रहते हैं, फर्स्ट जो कॉज रहता है वो तो नेचुरल है, जो कि फीमेल की लाइफ में फेज आता है, सभी फीमेल्स की लाइफ में ये नेचुरल फेज आता है। बट जो दूसरा कॉज रहता है वो रहता है गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि कोई उनको डिसऑर्डर रहता है, गायनेकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर रहता है उनको, कोई डिजीज रहती है, जिस कारण से उनको मेनोपॉज भी कुछ फीमेल्स में जो कंडीशन है वो आ जाती है, किसी डिजीज के कारण, रिप्रोडक्टिव जो डिजीज रहता है फीमेल्स में, गायनेकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर रहता है उसके कारण भी ये कभी कभी फेस जल्दी आ जाता है। तो ये इसका कॉज रहता है। जो सेकेंड फर्स्ट कॉज है वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है, जो कि हर फीमेल्स की लाइफ में आता है नेचुरल। तो अब चलते हैं हम इसके सिम्टम्स की तरफ, इसके मीन्स जो लक्षण देखे जाते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण, जो कि मैंने आपको अभी बताया, हॉट फ्लैशेस, बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस रहती हैं, मीन्स जैसे लगता है कि शरीर से आग निकल रही है, ऐसा महसूस होता है। उसके बाद रहता है मूड स्विंग्स, मीन्स उनका जो मूड है बहुत ज़्यादा स्विंग, बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, मीन्स उनको इरिटेशन बहुत ज़्यादा देखी जाती है मेनोपॉज के दौरान। जो फीमेल्स हैं उनमें इरिटेशन बहुत ज़्यादा देखी जाती है, वो हर बात पे चिढ़ जाती है। उसके बाद हेडेक की समस्या, उनको सर दर्द की समस्या रहती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और उनके जो हेयर लॉस होते रहते हैं, मीन्स धीरे धीरे बाल उनके गिरते रहते हैं, उनके शरीर में दर्दें रहती हैं, उनको वोमिटिंग मीन्स उल्टी का मन करता है, या उल्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इनमें सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो ये उनके कुछ जो है मेनोपॉज के दौरान सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पिक भी लगा दूंगा सिम्टम्स के, जहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं, जो कि इनको हेडेक समस्या रहती है, हॉट फ्लशेस, मूड स्विंग्स, जो मेंटली और फिजिकली चेंजेस काफ़ी देखने को मिलते हैं मेनोपॉज के दौरान। तो दोस्तों अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ, जो कि इस वीडियो का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है लेक्सिस, जो कि आप ये देख सकते हैं। तो मैं पिक्स यहाँ पे साइड में भी लगाता रहूँगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो सामने से काफ़ी लाइट पड़ती है, इससे अच्छे से दिखाई नहीं देती, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ अच्छे से लेक्सिस 30। तो मैं इसकी पिक आपको यहाँ पे साइड में लगा के दिखा दूंगा। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है मेनोपॉज के दौरान, अगर आपको काफ़ी हॉट फ्लशेस मीन्स आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आग निकल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी निकल रही है शरीर से, आपको ऐसा फील होता है, और साथ में आपका जो मेंटल डिस्टर्बेंस रहती है, आपको मेंटल ट्रबल रहता है, जैसे कि मूड स्विंग्स रहता है, बहुत इरिटेट मीन्स आपको बहुत चिड़चिड़ापन रहता है आप में, अगर आपको हर बात पे चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है, हर बात पे गुस्सा करते हैं, तो उसमें लेक्सिस बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। आपने इसको 30 पोटेंसी में यूज़ करना, तो मैं पिक यहाँ पे लगा दूँगा, जहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं लेक्सिस 30 का। आपने इसकी
तीन से चार ड्रॉप सुबह सुबह डेली लेनी है, तीन से चार ड्रॉप डायरेक्टली टंग में मार ली, जैसे ये मेडिसिन है तो आपने इसको टंग में डालना है, तीन से चार ड्रॉप डायरेक्टली। अगर आप डायरेक्टली नहीं लिख पाते हैं, अगर आपको जीभ पे डायरेक्ट लेने से जलन रहती है, तो आप एक चम्मच पानी में इसकी 7 से 8 जो ड्रॉप डाल के आप सुबह सुबह एक बार ले सकते हैं, काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं लैक्सीज की। तो दोस्तों दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है क्लिमकटोन, जो कि आप ये देख सकते हैं, तो इसकी पिक भी मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा साइड में, तो आप ये देख सकते हैं बिलमोर शोबिया कंपनी की आती है ये क्लिमकटोन, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है मेनोपॉज के दौरान। तो मैं आपको इसको अंदर से भी दिखा रहा हूँ, अंदर से ऐसे दिखाई देती है, तो ये टेबलेट फॉर्म में आती है, तो आप ये देख सकते हैं, तो ये टेबलेट फॉर्म में आती है, ऐसे पत्ते के फॉर्म में आती है, और एक पत्ते के अंदर 10 टेबलेट रहते हैं, तो इस पैक के अंदर चार, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर चार पत्ते रहते हैं, तो तीन ये रहे, चौथा ये रहे, तो इसके अंदर चार पत्ते आते हैं और एक पत्ते के अंदर 10 टेबलेट रहते हैं, मीन 40 टेबलेट रहती है एक क्लिमकाटोन के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे पिक लगा दूंगा, तो आप अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई है क्लिमकाटोन के अंदर, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले मेडिसिन डली हुई है सिमसीफुगा 2x फॉर्म में डली हुई है। अगर आपको मेनोपॉज के दौरान अगर आपको हॉट फ्लशेस रहती हैं, सार में सर दर्द रहता है और आपको शरीर दर्द करता है, आपको बहुत दर्दें रहती हैं शरीर में, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो ये इसमें डली हुई है 2x फॉर्म में। उसके बाद डली हुई इसमें सीपिया। अगर आपको मेनोपॉज के दौरान हॉट फ्लशेस के साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, साथ में आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं सीपिया के, तो इसमें 2x फॉर्म में डली हुई है इसके अंदर। और उसके बाद डली हुई है लेक्सिस, तो लेक्सिस भी इसमें इसमें भी डली हुई है 6x में। अगर आपको बहुत ज़्यादा हॉट फ्लशेस रहती हैं, साथ में आपको मेंटल ट्रबल रहता है, तो उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं लेक्सिस के, तो 6x में डली हुई है इसके अंदर। उसके बाद डली इग्निशिया। अगर आपको मेनोपॉज के दौरान स्लीप डिस्टर्बेंस रहता है, आपको सही से नींद नहीं आ पाती है, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है इग्निशिया, तो ये भी इसके अंदर 3x फॉर्म में डली हुई है। उसके बाद डली हुई है इसमें सैंगुनेरिया, तो ये भी इसके अंदर 2x फॉर्म में डली है। अगर आपको मेनोपॉज के दौरान आपको बहुत ज़्यादा हॉट फ्लशेस रहती हैं, ट्रबल रहता है, और साथ में आपको सर दर्द रहता है, और जो आपका सर दर्द है बहुत 5वें 6वें दिन वापस आता रहता है, हर 5-6 दिन के बाद रिटर्न होता रहता है, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है सैंगुनेरिया। तो सारी मेडिसिन जो है इस क्लिमकाटोन के अंदर डली हुई टेबलेट फॉर्म में, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और आपको इसको कैसे लेना है, तो आपने इसकी एक टेबलेट सुबह लेनी है, एक टेबलेट दोपहर को लेनी है, एक टेबलेट शाम को लेनी है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों तीसरी मेडिसिन है मेंसोल सिरप, जो कि आप ये देख सकते हैं मेंसोल सिरप, इस पर मेरा एक वीडियो भी है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसके बारे में जान सकते हैं मेंसोल सिरप के बारे में, जो कि आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, मीन्स काफ़ी अच्छा सिरप है, फीमेल्स के लिए एज ए हेल्थ टॉनिक के काम करता है फीमेल्स में। और इसको आपने लेना कैसे है, 10 ml लेना है सुबह दोपहर शाम, इसको आपने दिन में 3 बार लेना है, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इस पर मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो इन तीन मेडिसिन को अगर आप कंटिन्यूसली यूज करते हैं, मैंने बहुत जो क्लाइमेटिक फेज रहता है उस दौरान करते हैं, तो जो भी ट्रेवल रहता है उस दौरान, तो उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इन मेडिसिन के। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट का ऑप्शन रहता है तो कमेंट करना ना भूलें, और साथ में नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन रहता है उसको दबाना ना भूलें, साथ में एक बेल आइकन दिखाई देगा उसको दबा दें, उसी जैसे ही मैं होम्योपैथी से रिलेटेड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।